अरे कहाँ फजीला, आ जाओ। कहाँ रह गए यार? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ चली गई थी? क्यों आवाजें दे रहे हैं? मैं आपको बताया तो था, एक तो शो शुरू कर दिया आपने, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, मैंने कर दिया। ये क्या नारियल का पत्थर मार के गिरा के लाई हो पड़ोसियों के? ये अभी हम आपके ऊपर नारियल, ये भाई नारियल उतरवाए हैं आज घर से, माशाल्लाह इतने जबरदस्त ताजे ताजे नारियल थे, तो ये मैंने ना इधर किचन में जमा कर रही हूँ। और इस वाले नारियल, ओहो अच्छा, आप जमा करती रखती आ रही हो इतनी देर से। और ये इस वाले नारियल की मैं मलाई खा रही थी बाहर, इसमें मलाई थी और पानी क्या मीठा, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। तो अभी ये वाले नारियल तोड़वाने गई थी, मैंने कहा दूसरा भी तोड़ दें तो मैं इसका पानी निकालूं, तो इतनी आवाजें लगा, भाई भूख लग रही है यार। तो वो सब चीजें मैंने रेडी की हुई है ना, तो शुरू करो ना। वो किधर है सरप्राइज डिश आपकी? कौन सी वाली? लोगों को बता रही थी मैं आपको ना मंडे को एक सरप्राइज दूंगा। किधर है सरप्राइज? ओ भाई मैं मेरी गाड़ी जो है ना जोरेन लेके कोर्ट चला गया था। ड्रामा ड्रामा नहीं करें ज्यादा, मैं सच बता रहा हूँ। बुलाओ जोरेन को। हाँ बुला लें, आप उससे पूछ लें। जोरेन मेरी गाड़ी लेकर गया, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मियाँ की बात पे भरोसा नहीं है? नहीं मैं बताती हूँ ना, मैं आपको बहुत पुराना जानती हूँ, आप गर्मी की वजह से नहीं गए थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है। खैर मैंने अपना रेडी किया हुआ सब कुछ, मुझे पता था कि आपकी चीज तो 50-50 होती है जब तक बन के नहीं आएगी। तुम्हारा पानी ये वाला जो है ना, ये बॉयल हो रहा है, इससे पहले कि सर्किट ब्रेक हो मेहरबानी करके पानी मेरा बॉयल होने दे। पानी भी बॉयल हो रहा है, छुरी भी रखी हुई है, सब चीज रेडी है, चमचा भी रेडी है। चमचे तो हम सब हैं, ज़ोरैन अहमद में सब तुम्हारे चमचे, कोई ना जाए कहीं आप मेरे। यार तू इलेक्शन में खड़ी हो जा, पता है? नहीं मुझे नहीं खड़ा होना इलेक्शन में, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा पहले बता दूं लोगों को कि भाई बन क्या रहा है। आज हम बना रहे हैं माश की दाल, जो कि थोड़ा मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। एक तो ढाबा स्टाइल होती है तो वो तो ढाबे पे मिली जाती है, लेकिन घर में जो बनती है थोड़ी ड्राई फ्रेरी फ्रेरी सी, चम्मच से भी खाई जा सकती है, तो वो बड़ी अच्छी होती है दाल माश, और वो मैं आज बनाने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स ये रहे सारे, ये इधर आ जाएं। कैसे साहब तशरीफ लाइए, थोड़ा काम कर लें। बहुत तंगी है, बहुत तंगी है मुझे। सरप्राइज डिश तो बनी नहीं। खैर सरप्राइज डिश भी बन जाएगी। अच्छा दाल से शुरू करते हैं मेरे ख्याल है। ओके ठीक है। हाँ ये दाल मैंने दो से तीन घंटे भिगो के रखी हटा दो, पता नहीं क्या है। हाँ ये भिगो के रखी हुई है 2 से 3 घंटे दाल माश, ठीक है। इसके साथ प्याज आ गया, ये हरा धनिया, प्याज बारीक बारीक एक जैसी काटनी है ताकि ब्राउन हो, तो फिर एक जैसी ब्राउन हो, ठीक है। और ये क्या है बताएं चले? ये सफेद जीरा। हाँ और ये है हाँ वो वाली मिर्च। हाँ वो वाली मिर्च। ये आ गया अदरक नींबू और हरी मिर्चें, हरी मिर्च। हाँ और ये हरा धनिया और पुदीना। हाँ यस पुदीना भी है, चाय लिंसी दैट। वो दोनों मैंने धो के काट के मिक्स करके रखे हैं, हरा धनिया और पुदीना। चली गई कहीं बजे? उफ क्या हो गया, कहाँ चली जाती हो यार? भाई सब कुछ तैयार था लेकिन मुझे ना गर्मी लग रही थी तो मैं जरा बाल बांधने चली गई थी। yes. बता के जाया करो यार, क्या परेशान हो जाते हैं, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं घर में। जी नहीं एक्चुअली कैमरे की बैटरी और जो लाइटें हैं और बिजली का जब बिल आएगा ना तो लग पता जाना है। वो मैं कुछ नहीं कर सकती, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। अच्छा ये शुरू कर दें। हाँ आ जाए। अच्छा भैया शुरू कर दें जरा, मैंने ना पानी गर्म करके रख लिया है पहले ही, ठीक है। ये गर्म पानी पतीली को भी मैंने चूल्हे पे रख दिया, अब इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ मैं, तकरीबन कोई समझे आप 3 ग्लास। क्या परफेक्ट, नहीं ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा हो गया। 3 बड़े वाले ग्लास, बहरहाल 4 ग्लास नॉर्मली। कैसे आप ना प्लीज अपने नॉर्मली 4 ग्लास। अच्छा ये दाल जो मैंने भिगोई हुई थी अब ये दाल मैं इसमें डाल दूंगी, सही है। ये दाल सफेद कैसी है यार? माश की दाल ऐसी होती है। अच्छा कितने किस्म की दालें होती हैं? मूंग, मूंग मसूर माश, चना माश, मलका मसूर। एक लाल कलर की होती है गुलाबी, वो कौन सी है? मूंग मसूर। अच्छा ये दाल आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा नमक हसबे जायका। फिर कहाँ चली गई मैं, या शॉर्ट बना रहा हूँ और गायब? भाई तो नमक नहीं डालो यार, बता के जाए। ये आ गया नमक हसबे जायका, ठीक है। अपने हिसाब से आप डाल दें, मैंने समझे तकरीबन कोई 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा गिर भी गया है। आप मुझे स्ट्रेस देते हैं ना, मुझे चीजें गिरने शुरू जाती हैं हाथ से। स्ट्रेस और मैं? हाँ मतलब आप घबरा जाता है बेचारी, हाथ कांपने लग जाते हैं। अच्छा खैर इससे पहले कि मैं चीजें भूल जाऊं,
इसमें थोड़ी सी मुझे अदरक भी डालनी है, इसको उबालना है मुझे तकरीबन कोई 10 मिनट, 5-10 मिनट। तो मैं अदरक, हाँ ये बारीक बारीक काटनी है मुझे इसमें अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा है अदरक का। तुम ना एक रेस्टोरेंट खोल लो, पता है? अच्छा? उसका नाम रखो फजीलाज कुजीन। ओके, फजीलाज किचन तो है, कैफे फजीला रख दूं? नहीं नहीं, अरे पता है अम्मी क्या कहती थी मुझे? अम्मी कहती थी भाई माशाल्लाह तुम्हारा तो ना ये 24 घंटे ढाबा चलता रहता है, तुम अपने किचन का नाम रख दो फजीला का ढाबा। नहीं नहीं, फजीला का ढाबा नहीं, याद नहीं रहती ना, तो वो अब ऐसी जरा थोड़ी क्या कहें, खैर अल्लाह ताला बस सबके माँ बाप को अच्छा रखे। अच्छा जी ये देखें, ये ऐसी रफली चॉप्ड अदरक गार्लिक, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने मैंने लिया था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा इसमें मैंने नमक और अदरक डाल दिए, अब ये तकरीबन 10 मिनट्स तक उबलेगा, और आप देखें इसपे जो झाग आ रही होगी ना वाइट वाइट, वो आपने निकाल के फेंक देनी है, ठीक है। और उसके बाद जब दाल आप देखें 90% गल जाएगी, तो फिर आपने तेज तेज सारा पानी सुखा लेना है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वो जो झाग वाइट वाइट बन रही है उसको निकाल रही हूँ। ये देखें ये वाइट वाइट झाग बन रही है ना, ये सारी निकाल देनी है। या ये क्या मुजरे सेहत होती है? बस वो बादी होती है ना असल में ये दाल में, इसीलिए इसमें अदरक का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा, कुछ चीजें बादी होती हैं। तो आपको पता है कि जो अपनी ऑर्गेनिक हर्ब्स के साथ जो इलाज होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादा, इसमें पुदीना भी डल रहा है इसीलिए ना। अच्छा ये देखें पानी कितना कम रह गया है, तकरीबन 3 ग्लास पानी था, और ये दाल ने सारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, अब थोड़ा सा पानी रह गया। इसको जरा ना मैं तेज आंच पे ही रखूंगी क्योंकि दाल मैं चेक कर लेती हूँ। शुक्र है ये नहीं बोल रही हो कि मैं पी गया पानी। तकरीबन 80% दाल हो गई है, ठीक है। अब बस मैं इसको जल्दी जल्दी सुखा लूंगी इस पानी को, क्योंकि ज्यादा फिर वो हलवे जैसी दाल ना वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। तो उसमें आप लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी? नहीं वो तो आपकी बातें ही काफी है स्पाइस सब करने के लिए खाने को। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन एक बात है कि मैं जो है ना जरा हेल्दी खाना बना रही हूँ, देसी घी में बना रही हूँ मैं माश की दाल, ठीक है, देसी घी में। डन डन डन। आज मैंने एक और पतीली चूल्हे पे रख दी है, इसमें मैं अब डालूंगी देसी घी, और साथ साथ इसको मत भूलिएगा दाल को, इसको भी देखते रहे, बस पानी सूख जाएगा 2 मिनट में। ये जा रहा है देसी घी इसके अंदर, इतनी गर्मी है कि देसी घी भी बेचारा मेल्ट हो गया है। असली घी की पहचान क्या होती है देसी घी की? जानी उस पे बाद में बात होगी, अभी मसला ये कि सब चीजें चल रही हैं तो मैं इसके बीच में कोई और गुफ्तगू नहीं कर सकती। ये प्याज है आपके सामने, मैंने बारीक बारीक काटी थी, अब मैं इस जो मैंने असली घी डाला है इसमें ये प्याज डाल के इसको ब्राउन करूंगी। ये असली घी में आ गई प्याज, प्याज होगी ब्राउन, तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखें दाल का पानी सूख गया है तकरीबन, इसको मैंने खुला ही रखा हुआ है ताकि ये एवेपोरेट हो जाए पानी और दाल बिल्कुल ही नरम ना हो जाए। जितनी देर में प्याज ब्राउन होगी ये भी हो जाएगा। अरे यार ये अच्छा लग रहा है शॉट यहाँ से फजू, क्या अच्छी लग रही हो यहाँ से? मैं हुई अच्छी नहीं है, मैं इस फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे भी मर्द हजरात को बीवियां बेचारियां जो है वो काम करें गर्मी में परेशान रहे पर अच्छी लगती है। ये किसने कह दिया आपसे? मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपको मैं काम करती हुई बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन ये कि अगर मैं आराम कर रही हूँ तो फिर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। बेचारा मियाँ जो है ना वही मियाँ बेचारे नहीं होते, हेलो जालिम जालिम होते मर्द। सही है हाँ। शुक्र करो तुमको मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी मिला। शुक्र करें कि आपको मेरे जैसी कोई मासूम खातून मिली है, मिलती ना अगर कोई तेज तर्रार किस्म की लग पता जाता आपको, जिन्होंने ना सिर्फ आपकी बुराइयां करनी थी। कुछ खवातीन होती हैं वो ना मर्दों की बुराइयां करती हैं पीछे पीछे, मेरा मियाँ ऐसा है मेरा मियाँ ऐसा है, लेकिन मैं आपकी तारीफ करती हूँ हमेशा पीठ पीछे भी। सामने तो हम आपस में जो भी इख्तलाफ राय हमारा हो लेकिन मैं कभी आपकी खामखा बुराई नहीं करती हूँ। देखिये अजान हो रही है, अजान आ रही है, मैं कैमरा बंद, दवाई दे दीजिए अब अजान के बाद। यहाँ से पता चावल लग रहे हैं, चावल
मतलब ये प्याज लाल हो रही है तो इसके अंदर अब आप ये दाल डाल देंगी? नहीं, ये भगार बना रही हूँ ना पूरा, जरा प्याज हो जाए। अभी तो उसमें और भी चीजें डालेंगी भगार की, जैसे ये मैंने कड़ी पत्ता निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, और ये फ्रोजन कड़ी पत्ता है, मैंने बताया कि कैसे फ्रीज करती हूँ, सफेद जीरा है, वो जो टिश्यू पेपर में आप रखती हैं वो वाले धो के? नहीं नहीं, ये अलग है। अच्छा, अभी मुझे आप तंग नहीं करें, मैं भूल जाऊंगी, मुझे अदरक जरा काटनी है और काट लूं। तंग नहीं करे से क्या मुराद है भाई? भाई भूल जाता है ना बंदा अपनी रेसिपी, कोई नहीं भूलता। मकसद ये है कि बातों बातों में होता है ना, कुछ लोग जहन से चीजें निकल जाती हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं। एक शॉट में दिखाऊं, खास तौर पे एक शॉट जो डायरेक्टर है हमारे, वो क्या कर रहे हैं, जिससे बोला था कट कट कट। हाँ, ये देखिए छुप के खड़ा हुआ है ये आदमी, सिर्फ डायरेक्शंस दे रहा है, सिर्फ वहां से जो है ना कट 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 कट। सॉरी यार, अच्छा जी, ये प्याज हो गई है तकरीबन हमारी। अब हम इसके अंदर सब चीजें डालेंगे तड़के वाली जो कि हमने बनाई हुई है। आंच थोड़ी स्लो कर दूं ना जल ना जाए, ठीक है। ये देखिए जी, ये सब चीजें सब, और सबसे पहले ये अदरक जो मैंने अभी काटी बारीक बारीक, और बाकी ये सब चीजें। और जैसे ही जरा खुशबू आनी शुरू हो गई है इसकी सफेद जीरे की, ये मैं इसमें दाल डाल दूंगी जो हमने करके रखी है। दाल रेडी है ना, ये दाल में जो थोड़ा सा बिल्कुल पौना कप पानी रह गया था उसी में अब ये पक जाएगी। अभी इसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना डालना है। तो देखिए माश की दाल फटाफट बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त मस्त किस्म की बनती है। अब इसमें हरी मिर्चें डालनी है, वो मैं काट रही हूँ, और ये रही हरी मिर्चें मेरी। हरी मिर्चों का ये है कि ज़रा हाथ पे फिर वो मिर्चें लगती हैं, तो मैं कैंची से काटूंगी। चलो भाई मैं भी देखूँ मिर्चें कैंची से कैसे कटती हैं। भाई एक थोड़ी थोड़ी सी टिप्स होती हैं, क्या करें, कभी होते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं जिन खवातीन के, जैसे मेरे तो घर में सबसे आखिरी वाले आप ही हैं छोटे बच्चे, तो अगर उनको मुंह पे हाथ लगा दिया, प्यार से बाल बना दिए, तो मिर्चें लग जाती हैं स्किन पे, क्योंकि आप कितने भी हाथ धो लें हरी मिर्चें बहरहाल तेज होती हैं। मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। मैं हरा धनिया कैंची से काटता हूँ, कोई एतराज? दाल भी देखें, दाल की शक्ल भी दिखाएं ना जरा, बस हो रही है देखें, तो ये कितनी अच्छी हो गई है, और फरेरी फरेरी है वो नहीं है, फरेरी फरेरी से क्या मींस लाइक का फरेरी, अम्मी ये वर्ड यूज करती हैं, ये मतलब अलग अलग है दाल, जरा पुराना उर्दू का लफ्ज है। खवातीन बोलती रहती हैं बुड़ बुड़ बुड़, पता नहीं क्या चक्कर है यार। ना बोले तो फिर प्रॉब्लम, कि भाई मुंह क्यों बना हुआ है, खामोश क्यों हो, बोले तो प्रॉब्लम। हम ना बोले ना अगर घर में आपकी बेगमात, तो घर में ना सन्नाटा हो जाए, रौनक हमारे ही दम से है, बेटियों के दम से, बहुओं के दम से, बेगमात के दम से, सबसे पहले अम्माओं के दम से। अम्मा डांटती भी है तो घर में रौनक होती है। हरी मिर्च डाल रही हूँ इधर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके मिजाज के मुताबिक तेज हरी मिर्च देखें जरा। अब ये फुल आंच पे बस मैंने इसको बनाना है, क्योंकि देखें अब इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है जो था, ये हरी मिर्चें भी आ गई हैं, और ये मिक्स किया एक, हमारे पुराने चौकीदार होते थे। हाँ, चूल्हा में कर रही हूँ बंद। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ। और कहाँ जा रहे हैं? अबे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। मुझे नहीं दिखाएं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया, पुदीना डाल रही हूँ। डालिए जरा, मेरी ब्यूटी शॉट तो दिखाएं ना, जो मेरे दाल का ब्यूटी शॉट है वो। माशाल्लाह बन तो अच्छी गई है। हाँ, ये इसमें डाल के इसको एक मिक्स करूंगी इसी में, ताकि इसका कलर भी ना खराब हो और खुशबू भी आ जाए। ये तैयार हो गई हमारी माश की दाल, ओहो, जिसको आप मजे ले लेके चम्मच से खाएं, सर्व कर ले। अच्छा जी, यहाँ सर्व करते हैं। डायरेक्टर साहब आप ना डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये जरा उठा के पीछे रखे, थोड़ा काम करें रिकॉर्ड पे। जी हटा दें, कोई बात नहीं, घर की बात है। ये मैंने, मेरी बड़ी फेवरेट
प्याली प्याला बोल जो भी आप कहें मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसमें निकालूंगी। ये मैंने धो के रखा है, तेरा पुराने जमाने के टाइप का है ना, कितना ये देखो। ओह यस, छोटी छोटी चीजें मुझे मिल जाती है ना, मैं ले लेती हूँ। सही है, चले तो हम दाल निकाल लेते हैं अपनी। इसको मैंने साफ कर लिया धो के टिश्यू से। फिर मुझे वहां आना पड़ेगा क्या? तो जाहिर है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना जिंदगी में, जरूरी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, ये हमारी दाल माश बिल्कुल तैयार। और लीमू मैंने आपको बताया था ना, लीमू आखिर में, तो थोड़ा सजावट के लिए भी इसको रख लेते हैं हम ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। एक चीज रह गई यार। और नहीं, ये नींबू अभी डालना है इसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ एक चीज रह गई। क्या? चिप्स नहीं बनाया आपने? डायरेक्टर साहब, जरूरत नहीं है भाई इसकी डायरेक्टर साहब। ये जी दाल माश तैयार, अब इसे खाया जाएगा चम्मच से। क्यों, नान या चावल? चपाती से खाएं, नान से खाएं, लेकिन जो चम्मच से खाने का मजा है वो अपना ही है। जरा मुझे एक सेकंड दीजिए, एक्सक्यूज मी। यार ये फिर गायब हो गई। चलो मैं दाल ही दिखा दूं यार, ये लो, इसे लग तो अच्छी रही है। कहाँ गए? कैसे रहा? हर वक्त मुझे आवाजें देते रहते हैं, हर वक्त। ये आ गई मैं, हियर आई एम। गुड गुड गुड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे कौन सा यूट्यूब चैनल है आपके जिस पे आप ये लगाएंगी भाई? द मीडिया मैन 786 फजीलास किचन। थैंक यू फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड दाल माश इज हियर। बेल आइकॉन वाली बात तो करें। ओह, बेल आइकॉन, हां बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। ओके डायरेक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा जी, खा लूं बस, अब परेशानी हो गई है।